इस वीडियो में हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। तो देखें, जब हमारे पास इस तरह की कोई एक्सप्रेशन दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन मौजूद है तो हम चाहें तो इस फ्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा और फ्रैक्शन ब्रेक होकर ये दो टर्म्स बन जाएंगी या दो फ्रैक्शन बन जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को ब्रेक कर लिया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर आपके पास बच जाएगा वन, और ये हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एक्स की पावर हो जाएगी माइनस टू। अब इसके बाद जो है, हमारे पास दो टर्म्स हैं, हम दोनों के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा इंटीग्रल ऑफ वन प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस टू। तो इंटीग्रल ऑफ वन जो होता है आपका, ये एक्स प्लस सी के बराबर होता है, और इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस टू के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स की पावर माइनस टू है, तो जैसे यहाँ पे एक्स की पावर एन है तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो रहा है। तो ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे या इसके ऊपर जब हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। तो इंटीग्रल ऑफ वन आपका हो जाएगा एक्स और फिर प्लस एक्स टू दी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। ये एक्स एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास प्लस एक्स टू दी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, माइनस टू प्लस वन आपका माइनस वन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास माइनस वन आ जाएगा। अब इसके बाद जो है आपका ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में वन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन प्लस सी। अब इसके बाद जो है एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स की पावर माइनस वन को हम चाहें तो वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया और हमारा आंसर आ रहा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी।